हेलो दोस्तों, मैं हूं जस साइमन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई से। आज लेके आया हूं पार्ट बी। पार्ट ए में देखा था ना आप लोगों ने, हम लोगों ने टेक्सचराइजिंग हेयर कट किया था, स्क्वायर टेक्सचराइजिंग हेयर कट, उसी का पार्ट बी लेके आया हूं जिसमें हम लोगों ने मेकओवर के लिए कलर भी किया था। हमारे क्लाइंट के बाल, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हमारे क्लाइंट के बाल शॉर्ट थे, उनका जो स्किन टोन था वो थोड़ा वीटेज साइड है, थोड़ा डार्कर साइड है। यहां पे जो मैं प्ले करने वाला हूं रेड कलर के साथ प्ले करने वाला हूं, तो मैं इस कलर को नाम दूंगा पैशन रेड। पैशन रेड विद जिगजैग एंड बैककॉम्बिंग सेक्शंस के साथ में। बैककॉम्बिंग देखा है ना आप लोगों ने, बैककॉम्बिंग कैसे करते हैं। यहां पे हम लोगों ने बैककॉम्बिंग को भी यूज किया और जिगजैग को भी यूज किया, मिक्स किया है। एक नया पैटर्न लेकर के आया हूं डायगोनल बैक सेक्शन के साथ में। देखिए करते कैसे हैं, कलर मिक्सिंग पे ध्यान रखिएगा, रेशियो पे ध्यान रखिएगा। तो उसका रेशियो, मिक्सिंग रेशियो कैसे होता है, कलर मिक्स कैसे करते हैं, कलर हमेशा वेइंग स्केल पे मिक्स करें, क्योंकि जब आप वेइंग स्केल पे करते हो ना तो आपका एक्यूरेट कलर आता है, जो कंपनी बोलती है वैसा कलर आता है। देखते हैं पार्ट बी आप लोगों को कैसा लगता है। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा आपके सब फ्रेंड्स को, क्योंकि अभी सीजन का टाइम आने वाला है और मुझे लगता है आप लोग कलर से बहुत पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से किया है ये कलर और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है। देखते हैं ये कलर करते कैसे हैं, चेक इट आउट। शुरू करते हैं हम लोग हमारा कलर, और ये है हमारे क्लाइंट का बिफोर का लुक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे क्लाइंट का हम लोग ने पहले एक कलर किया था रेड कलर ओनली इन द फ्रंट, और आज हम लोग जो इनका करने वाले हैं वो करने वाले हैं डायगोनल बैक सेक्शंस के साथ में। डायगोनल बैक सेक्शंस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा डायमंड की तरह भी लुक आ रहा है इसका ऑन द टॉप एरिया, जैसे हम लोग ने लिया है आगे, और यहाँ पे हम लोग ने बनाए डायगोनल बैक सेक्शन पीछे की साइड में। आप लोग देख सकते हैं ऑल डायगोनल बैक सेक्शंस एवरीवेयर, डायगोनल बैक सेक्शंस आगे भी और पीछे भी। सो दिस इज द डायगोनल बैक सेक्शन। अभी मैं यूज करने वाला हूँ 40 वॉल्यूम चेरी रेड, और गोदरेज का ये कलर यूज करने वाला हूँ, गोदरेज का प्रोफेशनल। बहुत ही अच्छा कलर है ये रेड कलर का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये। और 40 वॉल्यूम के साथ में मिक्सिंग रेशियो जो मैंने लिया है वो लिया है 1:1। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और दूसरा कलर जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है वेला का 77/4। इसको भी हम लोगों ने मिक्स किया है 20 वॉल्यूम से, और इसका भी जो रेशियो है वो है 1:1। चलिए यहाँ हम लोग शुरू करेंगे जिगजैग सेक्शन के साथ में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बीच में गैप आ रहा है, बीच में गैप आ रहा है, तो इसलिए नीचे के बालों को मैंने अलग लिया। पेरीमीटर के बालों पर नॉर्मली ये प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पे मैं बैककॉम्बिंग नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल सेक्शंस ले रहा हूँ। और जिगजैग सेक्शन के साथ में एक रैंडम हम लोग ने, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को वीडियोस दिखाई हैं इसकी, यहाँ पे भी हम लोग ने जिगजैग सेक्शन के साथ लिया और हाईलाइटिंग किया फ्रंट पे। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, कभी भी पेरीमीटर को खाली मत छोड़ो। यहाँ पे मैं बैककॉम्बिंग करूँगा लेकिन दो सेक्शंस के बाद में, नॉट इन द फ्रंट। देखिए ऊपर का सेक्शन लिया जिगजैग के साथ में, फॉइल लगाया और यहाँ पे भी रेड कलर पहले लगाया। फ्रंट साइड के पेरीमीटर्स पे मैं रेड कलर ही करने वाला हूँ सारे बालों पे। और ये देखिए यहाँ पे भी फॉइल लिया और फॉइल को फोल्ड करके लगा रहा हूँ। देखिए मैं इसमें भी आपको दोनों तरीके दिखाने वाला हूँ, फॉइल को फोल्ड करके भी और स्ट्रेट भी। नाउ दिस इज माई सेकेंड सेक्शन जिस पे मैं लगाने वाला हूँ 77/4 वेला का, जो कि है हमारा मीडियम ब्लॉन्ड और रेड रिफ्लेक्शन के साथ में। यहाँ पे भी मैंने जिगजैग सेक्शन लिया और इसको हम लोग पूरे बालों पे अच्छी से इमल्सीफाई करेंगे ब्रश के साथ, फॉइलिंग करेंगे। 20 वॉल्यूम लिया है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना मुझे इनके बालों पे, और एट द सेम टाइम क्योंकि मीडियम ब्लॉन्ड है इनका, अगर 6 नंबर पे भी आ गया, 76/4 का भी रिजल्ट आ गया, तो ये हमारे रेड कलर को और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे भी मैं इसको फोल्ड करूँगा और फॉइल को फोल्ड करके इमिडिएटली यहाँ पे भी हम लोगों ने लगा दिया। यहाँ से रेड कलर जो शुरू होगा वो मैं करूँगा बैककॉम्बिंग। देख रहे हैं आप, अच्छे से बैककॉम्बिंग करना है इसको। आप और भी ज़्यादा बैककॉम्बिंग कर सकते हो अगर आपको नीचे की साइड में बाल कम चाहिए, तो मुझे थोड़े से बाल ज़्यादा भी चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इनके नेचुरल बाल भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेरी रेड लिया है जो कि है गोदरेज का, उसको हम लोगों ने मिक्स किया है 40 वॉल्यूम से जिसका रेशियो है 1:1।
यहां पे नीचे के बालों को लेंगे और लगाएंगे। देखिए बैक कॉम्बिंग आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं अगर नीचे के साइड में आपको बाल इनके चाहिए कम। तो मैंने बहुत ज्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं की, लेकिन अभी इनका कुछ नेचुरल बाल आएगा तो मिक्स एंड मैच में अच्छा लगेगा। इनका खुद का भी बाल आएगा जो कि इनका 4 नंबर का बाल है, इनका ब्राउन कलर है, मीडियम ब्राउन। तो 4 नंबर का बाल इनके बालों पे ऊपर आएगा रेड कलर के साथ मिक्स होकर, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे फॉइलिंग में थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके दिखाए मैंने आपको, आप ऐसे भी फॉइलिंग कर सकते हो जैसे नीचे किया है, वैसे भी फॉइलिंग कर सकते हैं। अगेन जिगजैग सेक्शन 77 stroke 44 को मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जिगजैग सेक्शन पे ही करूँगा, खाली रेड कलर को मैं बैक कॉम्बिंग करूँगा। तो यहाँ पे भी लिया 77 stroke 44 वेला का। 7 नंबर जो हो गया वो हो गया आपका मीडियम ब्लॉन्ड और स्ट्रोक, क्योंकि वेला में जैसे मैंने आप लोग को बताया है लॉरेल में पॉइंट बोलते हैं, शॉस्कॉफ में डैश बोलते हैं, वेला में स्ट्रोक बोलते हैं। उसके बाद का जो नंबर आता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन। वेला के अंदर 4 नंबर जो है वो है रेड कलर, और यहाँ पे 77 और 44 मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 77 का मतलब है इंटेंस मीडियम ब्लॉन्ड, मतलब इंटेंस का मतलब होता है कि और स्ट्रॉन्ग कलर हो गया, और 44 का मतलब जो रिफ्लेक्शन में है हमारा इंटेंस रेड रिफ्लेक्शन। अगेन हम लोग लगाएंगे 77, एक पैरेलल ले रहे हैं, पहले रेड कलर लिया सबसे पहले आगे, फिर उसके बाद में 77 stroke 44 लिया, फिर बैक कॉम्बिंग करा, फिर उसमें हम लोग ने रेड कलर लगाया, फिर उसके बाद में हम लोग ने 77 stroke 44 लगाया, और अभी फिर हम लोग ले रहे हैं रेड कलर और बैक कॉम्बिंग के साथ में। यहाँ पे नीचे के आप देखिए इसमें बैक कॉम्बिंग थोड़ी सी कम करी है बिकॉज मुझे रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। आप बैक कॉम्बिंग थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बैक कॉम्बिंग लंबे बालों पे तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़्यादा और कम आपको डिसाइड करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए तो आप बैक कॉम्बिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको बैक कॉम्बिंग थोड़ी चाहिए, थोड़े बाल आपको कम चाहिए तो बैक कॉम्बिंग ज़्यादा करो, अगर आपको बाल ज़्यादा चाहिए तो बैक कॉम्बिंग कम कर लो। तो यहाँ पे मुझे बाल थोड़े से ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने बैक कॉम्बिंग थोड़ी कम की है, अगर आपको बाल कम चाहिए हो तो बैक कॉम्बिंग थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन एक और सेक्शन जिगजैग सेक्शन सेम, ऑलरेडी पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैं रेड फैमिली से खेल रहा हूँ। देखिए इनका जो स्किन टोन है, मुझे बहुत सारे बच्चों का फोन्स आए, मुझे मैसेजेस भी आए कि आप कलर कैसे डिसाइड करते हो। देखिए जो रेड फैमिली है, रेड फैमिली सांवले रंग पे बहुत अच्छा लगता है, डार्क स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है। तो रेड कलर यू शुड प्ले, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसका स्किन डार्क है या विटिश है, आप उसके साथ में अगर रेड कलर से प्ले करते हैं तो उनका स्किन टोन ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आता है। और कभी भी मैं कलर डिसाइड करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कलर डिसाइड करते टाइम पे क्लाइंट की आईज का कलर चेक करना है, उनका स्किन टोन चेक करना है, और उनके बालों का कलर चेक करना है। ये 3 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर बहुत गोरा स्किन है, इफ़ द क्लाइंट इज़ वेरी फेयर, प्ले विद ब्लॉन्ड कलर्स, लाइटर ब्लॉन्ड्स और वॉट एवर कलर यू वॉन्ट टू प्ले ऑन फेयर स्किन, एवरी कलर सूट्स, भले वो रेड हो, ब्लॉन्ड हो, पेलेस्ट हो, बहुत लाइट ब्लॉन्ड हो, एश हो, एनी कलर, ब्लू हो, वायलेट हो, सब कलर्स अच्छे लगते हैं इफ़ द स्किन इज फेयर। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट की स्किन व्हीटिश है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा करके डार्क कलर्स के साथ में प्ले करो। आप व्हीटिश है तो रेड कलर के साथ में ज़्यादा प्ले करो, जैसा कि अभी आज हम लोग कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट का जो स्किन है वो थोड़ा डार्कर साइड में है, व्हीटिश है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेड फैमिली। तो जो बेस कलर हम लोग ने यूज़ किया है 20 volume से वो भी है 77 stroke 44, और जो कि है रेड फैमिली में वेला का। और जो दूसरा कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है गॉडरेज का, जो कि है चेरी रेड, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगेन कमिंग ऑन द अदर साइड, यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही रेड कलर लिया है जैसे कि मैंने दूसरी साइड में लिया था। अदर साइड सेम थिंग आई एम डूइंग इट ऑन दिस साइड। जिगजैग सेक्शन पहला है, बैक कॉम्बिंग नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आगे से व्हेन द क्लाइंट इज टाइंग द हेयर तो वहाँ पे थोड़ा सा एक बैलेंस लुक आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे जिगजैग नहीं कर रहा। नाउ कमिंग ऑन दी अगेन रेड कलर, बीच में हम लोग ने लगाया 77 stroke 44 जो कि हमारा
इसके रेड कलर के बाद वाला. नाउ दिस इज माय थर्ड सेक्शन. वैक्यूमिंग करेंगे अच्छे से और इसको भी हम लोग वैक्यूमिंग किया. मुझे बाल ज़्यादा चाहिए इसलिए वैक्यूमिंग मैंने कम किया. नीचे नीचे के बालों पे मैं लगा रहा हूँ रेड कलर. ऊपर इसलिए ज़्यादा नहीं दिया मैंने. व्हाई आई एम डूइंग वैक्यूमिंग, क्योंकि मुझे ऊपर टॉप एरिया पे बहुत रेड 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 नहीं चाहिए. मुझे खाली नीचे नीचे नज़र आना चाहिए रेड कलर, तो बहुत एलिगेंट नज़र आता है. तो यहाँ पे हम लोग ने लिया है रेड कलर 40 वॉल्यूम से. रेशियो लिया है हमने 1:1. लिया है गॉडरेज का चेरी रेड. फॉइलिंग थोड़ा नीट करो. फॉइलिंग थोड़ा सा नीट के साथ साथ फॉइलिंग अच्छी करो, बहुत मैसी मत करो. नाउ अगेन वन मोर सेक्शन जो कि है हमारा 77/4. इसमें अप्लाई करेंगे. बिल्कुल देख रहे हैं आप, स्कैल्प के पास से ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 20 वॉल्यूम है तो यहाँ पे अगर थोड़ा स्किन पे चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्किन पे गया तो स्किन की हीट के साथ में कलर थोड़ा लाइट हो सकता है. इसलिए मैंने 1/2 इंच का गैप रखा है. यहाँ पे भी स्किन के पास नहीं जा रहा, क्योंकि लेंथ पे और स्किन पे मतलब स्कैल्प के पास में जब कलर जाता है तो स्कैल्प का कलर उतनी देर में बॉडी की हीट के साथ में थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट कर देता है. तो अगर आप लेंथ पे लगाते हो और आप स्कैल्प पे नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो कि स्कैल्प के पास में ना जाए. मिक्स दिस कलर विथ 20 वॉल्यूम. स्टिल 20 वॉल्यूम के साथ में बॉडी हीट के साथ में भी थोड़ा सा कलर लाइट होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप हमेशा. अगर टाइमिंग सेम रख रहे हैं आप ऊपर से नीचे तक तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए. और मुझे स्किन के पास में ज़्यादा कलर चाहिए भी नहीं इनका, खाली बालों के ऊपर कलर चाहिए. तो आई एम नॉट पुटिंग द कलर ऑन द स्कैल्प. कोशिश करो स्कैल्प से कलर को थोड़ा सा दूर ही रखें. इस चीज़ का ध्यान रखो आप हमेशा. नाउ कमिंग अगेन रेड कलर के साथ, आई एम पुटिंग इट दिस कलर रेड मिक्स्ड विथ 40 वॉल्यूम 1:1 ratio. वैक्यूमिंग एंड एप्लीकेशन. और ये जितने भी सेक्शंस हैं ये मैंने लिए हैं डायगोनल बैक सेक्शंस, फ्रंट पे भी और पीछे भी. यहाँ पे भी देखिए मैंने आगे से शुरू किया है क्लाइंट के. कभी भी मैं कलर के साथ काम करता हूँ मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ दिस इज़ माय साइंस. कंपनी बोलती है आप पीछे से शुरू करो, बट मेरी थ्योरी ऐसी बोलती है कि जब आप पीछे से शुरू करते हैं कलर ज़्यादा मिक्स हो गया तो कलर की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कलर रखा हुआ है बहुत देर से. तो एक तो कलर थोड़ा कम मिक्स करो हमेशा, बहुत ज़्यादा कलर एक साथ मिक्स मत करो, कोशिश करो बीच बीच में लेते रहो. दूसरा, कलर से कभी भी काम करते हो स्टार्टिंग फ्रंट से करो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको एक अच्छे रिजल्ट के लिए. तो यहाँ पे अभी हम लोग पीछे से शुरू कर रहे हैं रेड कलर पेरीमीटर पे. आगे भी हमारे पेरीमीटर मतलब जो हमारी फ्रंट हेयर लाइन है, इसी तरीके से पीछे की हेयर लाइन पे भी मैं रेड कलर ही लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बैलेंस नज़र आए. अगर वो टाई करते हैं अपने बालों को तो सब जगह पैरामीटर्स पे मतलब आउटर लाइन पे आपको रेड कलर नज़र आना चाहिए, और जो कि इनके स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाएगा. नाउ कमिंग 77/4 वेला का इन मीडियम ब्लॉन्ड, इंटेंस मीडियम ब्लॉन्ड विद इंटेंस रेड कलर जो कि रिफ्लेक्शन का है. हमेशा स्ट्रोक से पहले के जो कलर्स होते हैं वो बेस कलर्स होते हैं, और स्ट्रोक के बाद में जो कलर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं. तो रेड कलर का रिफ्लेक्शन आएगा जो कि हेल्प करेगा, रेड कलर को सपोर्ट करेगा, और डार्क बालों के ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगता है. सेम थिंग आई एम फॉलोइंग ऑन द बैक साइड, सेम थिंग, बिल्कुल उसी पैटर्न से काम करना है जिस पैटर्न से हम लोगों ने फ्रंट पे काम किया है. सेक्शन बाय सेक्शन डायगोनल बैक सेक्शंस. वहाँ पे भी देखें आपने पहला वाला जो हम लोग ने लिया था वहाँ पे जिगजैग किया रेड कलर का, दूसरा वाला भी लिया वहाँ पे भी जिगजैग किया और 77/4 लगाया. यहाँ थर्ड सेक्शन वैक्यूमिंग किया और उसके ऊपर कलर लगा रहे हैं. जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, अगर आपको बाल कम चाहिए तो आप वैक्यूमिंग ज़्यादा करो ताकि बाल ऊपर ज़्यादा जाए. अगर आपको बाल ज़्यादा चाहिए तो आप वैक्यूमिंग थोड़ी करो ताकि आपको बाल की जो क्वांटिटी ऑफ द हेयर है वो थोड़ी ज़्यादा मिले. मुझे थोड़े बाल ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने वैक्यूमिंग थोड़ी सी कम की. सेम पैटर्न पर फॉइलिंग कर रहा हूँ, नीट फॉइलिंग करनी है, बिल्कुल बिल्कुल नीट फॉइलिंग दोनों तरफ. इस तरीके से हम लोगों ने इसको पार्ट को डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया एक तरीके से बालों को, और यहाँ पर डायगोनल बैक सेक्शन के साथ में हम लोगों ने कलर एप्लीकेशन कर दिया. आई होप आपको ये एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा. मैंने इनके ऊपर रेड फैमिली से ही क्यों किया, चेरी रेड 77/4 क्यों लिया, बिकॉज उनकी जो स्किन टोन है
वो है वेटेश, थोड़ी सी डार्कर साइड है, और ये मुझे लगता है कि ये जो कलर है इनके ऊपर बहुत सूट करेगा। एंड दिस इज द कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ द कलर, सारे बालों पे एप्लीकेशन हो चुका है। अभी हम वेट करेंगे 45 मिनट्स का और देखेंगे आफ्टर द वॉश कि इनका रिजल्ट कैसे आने वाला है। देखिए अभी वॉश का टाइम आया, तो मैं हमेशा आप लोग को वॉश जानबूझ के दिखाता हूँ। कभी भी आप कलर वॉश करते हो जहाँ पे आप दो तीन चार कलर्स यूज़ करते हो, सबसे पहले एक एक फॉइल खोलो, उसको इमल्सीफाई करो कलर को, उसके ऊपर पानी डालो और एक एक करके उसको वॉश करते रहो। दो कलर्स मिक्स नहीं होने चाहिए, तीन चार कलर्स होते हैं, मिक्स नहीं होने चाहिए कलर्स एक दूसरे के साथ में, इसका ध्यान रखो। एक एक फॉइल निकाला, उसको इमल्सीफाई किया। वॉश के टाइम पे ये डिसाइड होता है कि आपका कलर कैसा आया है। जब आप इमल्सीफाई करते हो वॉश के टाइम पे पानी डालने के बाद में, बहुत इवन टोन हो जाता है कलर का, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर कर दिया हम लोगों ने बालों का। यहाँ पे हम लोग करेंगे फिंगर ब्लास्ट और देखेंगे, देखा कितना प्यारा लुक लग रहा है, कलर कितना अच्छा लग रहा है, रेड कलर। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप ये भी पैटर्न आपको समझ में आया होगा और आप इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। रेड फैमिली फॉर द वेटेश एंड डार्क स्किन, वेटेश एंड डार्क स्किन। सो दिस इज़ द लुक, दिस इज़ द पैटर्न। इसी तरीके से और बहुत सारे पैटर्न्स पे भी हम लोग आपको वीडियोज़ दिखाने वाले हैं। इसी तरीके से देखते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू। तो देखा आप लोगों ने कितना अमेजिंग कलर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी मॉडल को भी बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए और अपने क्लाइंट्स के ऊपर अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। पैटर्न अलग अलग दे रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा इजी पैटर्न करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा मिक्स एंड मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सीजन का टाइम है, अभी से इन कलर्स को अच्छे से समझ लो, मिक्सिंग रेशियोज को अच्छे से समझ लो, और हमेशा जब आप काम करते हैं तो प्रिकॉशन साथ में लेके करेंगे, ग्लव्स पहन के करेंगे, कॉटन अपने पास में रखेंगे, गीला कॉटन कहीं अगर कहीं क्लाइंट के फेस पे या कटिंग शीट पे आता है तो इमीडिएटली आप उसको वाइप ऑफ करेंगे। नीट काम करने की कोशिश करेंगे। कभी भी आप लोग कलर से काम करते हो, कलर करने से पहले भी हेयर वॉश जरूर कीजिएगा क्लाइंट का, शैम्पू कीजिएगा, कंडीशनर मत कीजिएगा। क्लाइंट अगर घर से वॉश करके आया है तब भी आपको आपके सैलून में पहले हेयर वॉश करना है विदाउट कंडीशनर, उसके बाद में आपको कलर करना है 100% ड्राई बालों पे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी वीडियोस अभी आप लोग के पास में आने वाली हैं, इसी तरीके से देखते रहिए। सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहेंगे सब वीडियोज के। बहुत सारी वीडियोज अभी बनने वाली है, इसी तरीके से देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले बस इतना बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोर्सेज करने हैं मेरे नंबर पे फोन कीजिए। मुंबई के अंदर हमारे कोर्सेज डोंबिवली और अंधेरी में चलते हैं, मेरे नंबर पे फोन कीजिए और अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय।